सिंपल क्यूबिक यूनिट से ले एससीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हेले हमर एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हेले डीसीसी, बुझेले कि सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक रे देखो ये हला ओटे क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल रे प्रत्येक कॉर्नर जो अछि, प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे एटम अछि, प्रत्येक कॉर्नर रे कोन अछि ना गोटे गोटे एटम अछि, सेटा हला सिंपल क्यूबिक। फेस सेंटर्ड कौन माना प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे एटम तो अछि अछि, प्रत्येक कॉर्नर रे एटम अछि। ता सहित देखो ये गोटे फेस, ये फेस रो सेंटर रे गोटे एटम अछि, सेमिति ये गोटे फेस, ये फेस रो सेंटर रे गोटे एटम अछि, सेमिति ये गोटे फेस, ये फेस रो सेंटर रे गोटे एटम। प्रत्येक फेस रो सेंटर रे गोटे गोटे एटम हम रखिछु, छटा फेस रो सेंटर रे छटा एटम। जदि प्रत्येक फेस रो सेंटर आ प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे एटम अछि ताको फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट्स। तापर आसला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे एटम तो अछि अछि, ता सहित बॉडी सेंटर रे गोटे एटम अछि ताकोंदी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट। कोन दा कहले ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल, बुझला। तनो तीनी प्रकार यूनिट सेल आसे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट, बुझला। ये हला जिनस रडार थ्री डायमेंशनल चित्र, केवल ये गोटे आटम, ये गोटे आटम, ये गोटे कॉर्नर गुडा करे आटम थिवे, एटा को ए टाइप रो देखा जाय डायग्राम रे, लेमति आटम जॉइंट करले ए टाइप रो, ये रहला कॉर्नर रे गोटे आटम, ये कॉर्नर रे गोटे आटम, ये गोटे आटम, ये गोटे से पछ रे गोटे थिवो, ए टाइप रो क्यूब बने थिवे। बर्तन एठी हला होछ कोन, ये हला तमरो क्यूब, ए फेस रे गोटे आटम छ, सेंति ये गोटे हला फेस, ये फेस रो मझे रे गोटे आटम छ, ए पट्टा गोटे फेस, ए फेस रो मझे रे गोटे आटम छ, ताको फेस सेंटर टोटल ऊपर मझे जदि गोटे आटम थिवो दैट इज हला बॉडी सेंटर। जेंदि मार्क करो ये टोटल मझे गोटे आटम, ये साइड रे सब गोटे गोटे आटम टिके टिके लागि करी, जदि मैं इटा को एम धरबी का इटा गोटे क्यूब काटिबि, क्यूब काटले कोन सब जगह आटम या भीतर आसबे, यूटू एतिकी पार्टा या आटम भीतर आसबे ना, बाकी सब बाहर यूनिट सेल आसबे ना, बुझले। तो ये यूनिट सेल डा इटो ए टाइप हो, बुझला। ये हला चित्र आगे देखो, बुझ बर्तन मुझे डिटेल रे एससीसी बीसीसी एफसीसी पढ़ी दूसरे तुम जहाँ क्वेश्चन आसो तुम आंसर कर, एक मार्क क्वेश्चन आसपे, दि मार्क आसपे, तीन मार्क आसपे, एकाथे पढ़ी दूसरे तुम एक दुई तीन लंग क्वेश्चन जहाँ भी आसा तुम तुम सल्व कर। प्रथम एटा आसला सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाइज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन थी बेटा, प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे आटम थी, प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे कौन थे आटम थे, से सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो मैं लिखदेवि इन सिंपल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल all the corners, all the simple cubic unit cell lattice points, lattice points are present at all the corners, lattice point uthbo ना कॉर्नर थी, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर, लैटिस पॉइंट कोथिबो ना कॉर्नर गुडा करे थी, बुझले। अच्छा वर्तमान आमे ताको पॉइंट वाइज करके लिखि दो हम सुविधा। तो प्रथम कथा फास्ट रेसिबो के ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट रे आमे लिखिबा फर्स्ट हमर आसीबो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट केते, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट केतरा ना सर, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जदी हमर पचार छंती दैट इज 8 इनटू 8 ऑल द कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे गोटे लैटिस पॉइंट आसो, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मिलेला, टोटल नंबर ऑफ आटम केते,
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बेटा कॉर्नर रे अछि लैटिस पॉइंट किंतु जे कोनो छोट कॉर्नर तमे दी मार्क करियो ये कॉर्नर जो आइटम टा रहिला से आइटम रो केते भागे केवल एति की भागे हमर ये यूनिट सेल भीतर अछि देखु न ये जो ऊपर पार्ट टा रहिला ये आउ गोटे को यूनिट सेल रहितो जोथरे ये एतक आधा पार्ट रहिला सेंदे एपोट गोटे यूनिट सेल लो जे आउ टिके आधा पार्ट प्रत्येक कॉर्नर जो थाए कॉर्नर जो आटम थांदे सेमानकर गोटे यूनिट सेल पे कंट्रीब्यूशन आसे 1/8 तो टोटल नंबर ऑफ आटम केते आसो 8 × 1/8 कारण कॉर्नर जो आटम अछि से कॉर्नर रे आटम टा गोटे यूनिट सेल पे केते कंट्रीब्यूट करूछे ना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करूछे तो 8 टा सिना आटम अछन्दि किंतु रियलिटी रे सेतरु केवल 1/8 पार्ट आमा यूनिट सेल भीतर अछि तो 8 × 1/8 हेले टोटल ऊपर आटम आसीबो 8 तो गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ आटम केते आसीबो ना 1 टोटल नंबर ऑफ आटम 1 नेक्स्ट नेक्स्ट आसला होची कोनो ना रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ एटॉमिक रेडियस ऑफ एज लेंथ भितरे रिलेशन को देखो जदि आमे चेक करिबा गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट से तो बेटा सिंपल एटॉमिक रेडियस हां एटॉमिक रेडियस ला आर एज लेंथ ला ए गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जदि मु कंसीडर करबी ए टाइप रो गोटे यूनिट सेल आसु सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ला एबडा गोटी धरि पोगे ए लाइट एथरे कोन थे बेटा एटम थिबे कॉर्नर गोडा करे एटम ये गोटे एटम ये गोटे एटम ए टाइप रो आटम गुडा जोड़ी हि थे तमे जे मार्क करिवो एउठ एतक जे त जगह हम नउ छे एउठ त केते बेटा ना सर एटा हला एज लेंथ किंतु ये हे गला हमर एटॉमिक रेडियस सर ये हला एटॉमिक रेडियस सर त एउठ देखि कि जणा पड़छ जे ये आर आउ आर मिसि कि कहार बराबर एज लेंथ ए रो बराबर तनु बेटा ए केस रे मु लिखि परिबी 2r इज इक्वल टू ए तो इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू असो ए बाय रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ अस लगते ना 2r इज इक्वल टू ए बा आर इज इक्वल टू असला ए बाय नेक्स्ट हमर कोन असो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर माने गोटे एटम रो नियरेस्ट एटम केतटा देखो जे कोनोसी गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जदि मुने ये हला बेटा गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ध्यान दियो ये हला गोटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मोर आसला हला ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे मते जे कोनो से गोटे एटम को चेक करे जे कोनो से गोटे एटम को नोच ये हला गोटे एटम बेटा यार नियरेस्ट एटम जो थाले से मानो कोनती कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट बा नेबर एटम जति राथिबो सेटा कोनती कोऑर्डिनेशन नंबर तो मोर नेबर एटम के ना मोस्ट जे लागी थिबो मोस्ट तो जे लागी किरे अछि से मोटर केते डिस्टेंस रछि मो सहित जे लागि गछ ता मो भीतर डिस्टेंस ला ए डिस्टेंस तो ए डिस्टेंस भी एटा एटा भी मोर ए डिस्टेंस एटा मोर ए डिस्टेंस ता माने ए जो एटम अछि ये मोर नियरेस्ट एटम ए डिस्टेंस रे ए जो एटम सेना 3 डायमेंशनल देखाउ जे एटा पाखो एटा दूर किंतु रियलिटी रे एटा भी ए डिस्टेंस एटा भी ए डिस्टेंस माने ए एटम आमे टच रे अछु ए एटम भी आमे टच रे अछु ए एटम भी आमे टच रे अछु जेंति ए एटम को मु टच करछु बा ये मोर नेबर एटम सेमती एपट गोटे आटम आसो जे मोर नेबर आटम जेमती एपट गोटे आटम अछि जे मते टच करूची सेमती एपट गोटे आटम आसो जे मोर नेबर आटम ए डिस्टेंस रे ई भी गोटे आटम आसो सेमती तळे जदि गोटे आटम अछि ऊपर गोटे आटम आसो जे मोर ए डिस्टेंस रे थिबो जोटी मते गोटे आटम तमको मिली जेबो
तो टोटल ऊपर मोर नियरेस्ट आटम केत आसवे जो माने मते टच करिवे से माने होजनी गोटे जोड़े तीनटा चारटा पांचटा तासे ये तळे जो आटम दासे दैट इज लाइक केते तो बेटा एठी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आसीबो कोऑर्डिनेशन नंबर रो वैल्यू केत आसीबो ना सर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जदी आसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे कोऑर्डिनेशन नंबर रो वैल्यू आसीबो केते ना 6 सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर होची कोन ना नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स बट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम नेक्स्ट नियरेस्ट रो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम जसे ता कोली कोऑर्डिनेशन नंबर बट द नंबर ऑफ एटम्स दैट एनी लैटिस पॉइंट टच बुझे कि जोटा गोटे लैटिस पॉइंट को आउट एटम टच करथिबो सेटा होची कोन ना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बुझेला ये हला जिनस तापर नेक्स्ट आसला होची कोन ना पैकिंग एफिशिएंसी नेक्स्ट पॉइंट आसीबो अच्छा ये तो वाला नेक्स्ट आउट आसीबो होची कोन ना डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट दीटा नियरेस्ट लैटिस पॉइंट भीतर डिस्टेंस टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट माने ये गोटे पॉइंट आंको भीतर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2r बट दैट इज इक्वल टू बुझेला ये ला जिंस तापर बेटा लास्ट को हमरा आसीबो कोन ना पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रो पैकिंग एफिशिएंसी के पैकिंग एफिशिएंसी होची कोन ना तमे तो एठी गोटे सेल नेलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखो ये भीतर पोर्शन टा जाले किसी ना किसी खाली पड़छ सब जगह रे एटम न ना एटम गुडा को स्फेरिकल तनो ये जगह रे एटम आसला ए जगह रे एटम ए जगह रे एटम ए जगह रे एटम ये जगह टा खाली पड़ी गेला भीतर जगह टा खाली सेंदी ऊपर किसी जगह खाली थी भीतर एपड़ किसी जगह खाली थी तनो सब जगह रे एटम नथिबो तो गोटे यूनिट सेल जो हमें कंसीडर करले ए पर्यंत एटम अछि ए पर्यंत एटम अछि ए पर्यंत एटम ए पर्यंत एटम ए जो जगह टा खाली पड़ी गेला सेठी वॉइड अछि तनो टोटल 100% से पैक्ड हेई नाही तो सेतरे पैकिंग एफिशिएंसी हमहु कैलकुलेशन करिया पड़े पैकिंग एफिशिएंसी हो जो कोन ना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट बुझेला ये हला जिस तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी रे कैलकुलेशन करिवे एटी केते आसीबो द इंप्लाइज दैट पैकिंग एफिशिएंसी रो फार्मूला से n इनटू 4 बाय 3 पाई r क्यूब करना एटम रो वॉल्यूम वाला 4 बाय 3 पाई r क्यूब करना स्फीयर टा जति किटा एटम थिबो गुणन n कर देले डिवाइडेड बाय तमरो वॉल्यूम जो आसीबो यूनिट सेल रो से क्यूब टा क्यूब रो वॉल्यूम से a रो क्यूब रे यूनिट सेल तो क्यूब टा ना क्यूब रो वॉल्यूम एक एटी n माने नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे नंबर ऑफ एटम केते बाहर गेले ना 1 तो बेटा एन जगह हमें केते पके दबा ना सर अपन एन जगह रे पकंतु ए के 4 बाय 3 पाई आर जगह रे केते पड़िबो ना आर जगह रे पड़िबो ए बाय 2 रो होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब तो बेटा 4 बाय 3 पाई ए रो क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय ए क्यूब कैंसिल ये हला 2 तो इंप्लाइज दैट पैकिंग एफिशिएंसी इट इज वो 5 बाय 6 बा 0.524 और 52.4% सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो हमें मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% तनो बट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे एटम गुडा जो असवे टोटल गुटे यूनिट सेल रो मात्र 52.4% ही एटम द्वारा कवरेज हिची बाकी जगह आडा कोन पडछे ना खाली पडछे तमुकु परीक्षा रे सब जगह जिंस पचारिबो तुमको जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पचारे लॉन्ग क्वेश्चन ये पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन करे एडा पचारे तुमको ये टाइप रो कैलकुलेशन पचारे तो तासे आउट किसी न्यूमेरिकल मिसे के देथि सर पैकिंग एफिशिएंसी सर आंसर कोइ दिन टिके सर मुगिन तो मु सब जगह कह कारण कोन एगुडा सब शॉर्ट क्वेश्चन पचारे वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे लैटिस पॉइंट केतरा शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार 8 टा लैटिस पॉइंट नंबर ऑफ एटम केतना 8 टा लैटिस पॉइंट जण कंट्रीब्यूशन रे गोटे एटम रो कंट्रीब्यूशन ला 1/8 तो टोटल ऊपर नंबर ऑफ एटम 1 आर आउ ए भीतर रिलेशनशिप कोन ये हला बेटा 2r इटा हला ए तो 2r इज इक्वल टू ए तो r इज इक्वल टू असबो ए बाय 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हला 6 केमिति ना जे कोनसी गोटे एटम इटी कॉर्नर तो गोटे एटम अछि मु कॉर्नर गोटे जे कोनसी एटम धरि पगेली तार नियरेस्ट एटम ये हला नियरेस्ट एटम एटा ये तीन जण जेंदे अछन्ती सेंदे एपडू गोटे एपडू गोटे एपडू गोटे तो नियरेस्ट एटम 6 टाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6
डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आटम दीटा नियरेस्ट आटम भीतर डिस्टेंस के देना 2 आर 2 आर दैट इज इक्वल टू ए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू n into 4 by 3 pi r को डिवाइडेड बाय q n जगह पकेले नंबर ऑफ एटम ए की वैल्यू पकेले आंसर वाला 52.4% बा 0.524 बा पाई बाय डिटो ए टाइप रो बीसीसी या एफसीसी त नेक्स्ट टाइम पढ़ाई से आकुटी बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट्स जो कि थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी टाइम लिखि छन देखि बा हला कोन ना बीसीसी की को कहू छन को सर ए रो वैल्यू 9 लिखि छनते कि ए लिखि छनते बुझिले ओडी सर पैकिंग एफिशिएंसी ओडी लिखले कोन सर 9 ना ए बुझिले 9 कोड लिखाय छी ए रो क्यू सर ए रो बोलते किसी 9 कोड नहीं एटा तो ए सेकंड स्टेप रे एटा तो ए क्यू हे गला ए क्यू तळे थिला ए क्यू कल कटि गला हला देखो तो वर्तमान आसीला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से बॉडी सेंटर कोन थिवो ना ये चारिटा तो कॉर्नर रे एटम थिबे थिबे ता सहित कोन थियो बेटा गोटे बॉडी रो सेंटर भितर गोटे एटम थियो से पूरा सेंटर जगह रे गोटे एटम थियो तो कोन हो 9 बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द corners along with the body center corner thiba se ta kothre thibe na body center re thibe bujhela to bartan first number of lattice point kete na sir number of lattice point is equal to 8 plus 1 8 asila kothre na corner re एक आसला कोथरा ना बॉडी सेंटर तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आबो केते मिला ना 9 नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू तापर बेटा नेक्स्ट हमर आसीबो जो कोन नंबर ऑफ एटम्स ताले केतरा ना सर 8 टा एटम जो कॉर्नर रे अछंती से मानंकर उटे यूनिट सेल पई कंट्रीब्यूशन हला 1/8 बॉडी सेंटर जे रहला से तो पूरा यूनिट सेल भीतर रहला से कौन से आउ गोटे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करू छी ना कंट्रीब्यूट करू नाही तनु तार कंट्रीब्यूशन पूरा एक को एक ऐसे 100% ऐसे तनु टोटल ऊपर नंबर ऑफ एटम ऐसे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बा बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल जदी अछि से तरह टोटल नंबर ऑफ एटम ऐसे तो यार बहुत बड़ा ट्रिक अछि लास्ट गोटे टेबल बने दे तीनटा को मन रख दबो ता गोटे माने 2-3 सेकंड रे सब जिंस मन रख जो रास बना दर लॉन्ग क्वेश्चन पे एडा सब किंतु करिया दरकार शॉर्ट क्वेश्चन में टेबल बन देबी मन रख दो घुस दो सर तो बेटा हमें कहले कि बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल रे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट असला 8 कॉर्नर रे गोटे असला बॉडी सेंटर रे मिसी के टोटल ऊपर असला 9 बुझे लगी अरेडा कॉर्नर रे एटाला बॉडी सेंटर टोटल असी 9 तो नंबर ऑफ एटम केते ना 8 गुणा 1/8 प्लस 1 * 1 तो 1 प्लस 1 मिसी के इक्वल टू असला केते 2 बुझे ला ये ला जस तापर नेक्स्ट हमर आसी बहुत कोन ना रिलेशन बिटवीन आर एंड ए एटॉमिक रेडियस आउ एज लेंथ भीतर कौन रिलेशन तेबड़ पड़ास रिलेशन बिटवीन आर एंड ए एटॉमिक रेडियस आउ एज लेंथ भीतर कौन रिलेशनशिप अछि तो बेटा एटॉमिक रेडियस आउ एज लेंथ जो असबे आको भीतर रिलेशनशिप केन द्वारा करिया ना एठी गोटे क्यूब देखो मन क्यूब रे कौन है ना ये प्रत्येक कॉर्नर रे गोटे 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 आटम अच्छा ता सहित तो ये बॉडी सेंटर रे गोटे गोटे आटम अच्छे बॉडी सेंटर रे गोटे गोटे आटम अच्छे ये जो आसला ये मार्कर ए कॉर्नर रु एपटर कॉर्नर रु पूरा सेपटर कॉर्नर पर
ये ला हो छे बॉडी डायगोनल, ये ला गोटे कौन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल अलोंग रे माने देखो ये जो ऊपर चारटा एटम ये मझी को टच करूछन, एक्चुअली देखा जाउनी किंतु थ्री डायमेंशनल ले टच करथु। देखो एठी, देखो एठी बड़ाला ये जो बॉडी सेंटर देखो ये ऊपर जो चारटा एटम, ऊपर चारटा एटम परस्पर टच करना थी। ये एटम देखो एठी रहला, ये एटम एठी, ये परस्पर को टच करना ना को भीतर किछ ना किछ स्पेस अछि। सेमती ये जो ऊपर आ तळ वाला तांको भीतर जेमिति ले किछ ना किछ स्पेस अछि, केही का को टच करूना थी। एक्चुअली आगुरु कोन थले ना एंती परस्पर को टच करियो थले, बॉडी सेंटर रे माने परस्पर को केही टच करू ना थी। किंतु ये जो एटम टा अछि एपट वाला एटम, ये मझीरे जो आटम अच्छे एक्चुअली कौन हो चार्ट आटम उपर गोटे आटम अच्छे मझीरे से उपर टा उपर आउ चार्ट आटम अच्छे तमें ये मझीटा जी अच्छे से उपर चार्टा गोटे किए धरी तो आउ ये तल चार्टा से मझीरे गोटे किए धरसन तमें ये मझीटा उपर चार्टा को टच कर तल चार्टा को भी टच कर ये जो मझीटा अच्छी ये उपर चार्टा को धरी आल चार्टा जाना ये मझी को धरिक बस बुझीपा ना बुझीप तेणु एउ ए कर्णर रु ए कर्णर एउठु ए जाए उल्टा ए कर्णर रु ए कर्णर बा ए कर्णर रु ए कर्णर एटा एटा हला गोटे फेस ए कर्णर रु ए कर्णर ला फेस डायगोनल किंतु एटा हला टोटल उपर एटा क्यूब ये टोटल क्यूब रो ए कर्णर रु ए कर्णर जो आसो सेटा आसो मोर बॉडी डायगोनल कोन आसीबो बॉडी डायगोनल तो बॉडी डायगोनल रो अलोंग रे कोन हबे ना ए माने टच करिवे बुझले बॉडी डायगोनल अलोंग रे देखो ए एटम ये आटम आउ ये आटम ये तीन टा आटम परस्पर को टच करिवे ए आटम टच करूना ए आटम टच करूना बोले से मानको हम कंसीडर कर परिया नहीं तो ये बॉडी डायगोनल अलोंग रे तीन टा आटम परस्पर को टच करिवे तो लिख परिबे बॉडी डायगोनल जो असियो बेटा दैट इज एगेला केते ना रूट 3a बॉडी डायगोनल जो असे बॉडी डायगोनल इक्वल टू रूट 3 बर्तन ए माने टच जो करिवे यार रेडियस एगेला केते ये उठे तक ना पड़ी हमको ये हला आर ये उठे तक बेटा 2r ये हला आर तो 4r इज इक्वल टू असो रूट 3 बॉडी डायगोनल ढाला ये उठे जाए बॉडी डायगोनल जो असला बॉडी डायगोनल असे रूट 3 ए और ये हला बेटा रेडियस r ये हला 2r ये हला आर टोटल मिसिग्री 4r तो नो इंप्लाइज दैट लिख पर भी r इज इक्वल टू रूट 3 ए डिवाइडेड बाय द रिलेशन बिटवीन r एंड a जो असो that is equal to so kete na root 3 a divided by root 3 a divided by he gala kete bujhela ye na acha bartan ye gala relation between r and a tapare coordination number next amar asibo chu kono na coordination number beta ame tumu barambar kahiche कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर होचे नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम जो असे ता कोहंती कोऑर्डिनेशन नंबर माने गोटे एटम केतनो टच कर ये गोटे एटम ऊपर चारटा को टच कला सेमि तळ चारटा के भी टच कला तले गोटे एटम एकाथरे केतरा एटम को टच कला ना सर 8 जण को टच कला यदि 8 जण को टच कला तले कोऑर्डिनेशन नंबर आसीबो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8 बुझेला तबरे नेक्स्ट आसो बेटा डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट आसो डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोने कह दे टू एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लाइक दिस डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट दीटा नियरेस्ट लैटिस पॉइंट भीतर डिस्टेंस सर ये हला गोटे लैटिस पॉइंट ये हला गोटे लैटिस पॉइंट तांको भीतर डिस्टेंस केते ना ये बॉडी डायगोनल रो आधा तो दैट इज इक्वल टू 2r दैट इज इक्वल टू केते 2√3a/4 तो √3a/2 किरे ये हला गोटे लैटिस पॉइंट ये मझरे गोटे लैटिस पॉइंट आंको भीतर डिस्टेंस हला केते ना सर एतक हला r एतक हे गला r 2r तो r जगह रे पडली √3a/4 तले दीटा पॉइंट भीतर दी रन नियरेस्ट लैटिस पॉइंट भीतर डिस्टेंस असो कते ना √3a डिवाइडेड बाय द बीसीसी रे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट नोटा नंबर ऑफ एटम दीटा रिलेशन बिटवीन r एंड a हला r इक्वल टू 3/4 कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट असला √3a/2 बुझेला ये हला जिंस
बाकी रहला मोर पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी वर्तमान कैलकुलेशन करबा, पैकिंग एफिशिएंसी जो असला दैट इज इक्वल टू ए ने गुणन 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एन ला नंबर ऑफ एटम विशिष्ट नंबर ऑफ एटम 2 4/3 पाई आर क्यूब आर जगह केते पड़िबो रूट 3 ए डिवाइडेड बाय 4 रो होल क्यूब बाय ए लगते ना ए रो क्यूब आर जगह रूट 3 बाय 4 पके। तो वर्तमान बेटा आपको सॉल्व करले ये आसीबो 2 गुणन 4/3 पाई रूट 3 रो क्यूब तमाने दैट इज ला 3 रूट 3 ए रो क्यूब बाय 4 रो क्यूब हला केते 4 4 16 64 ये रहला ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कैंसिल ये हे गला केते बेटा 3 3 कैंसिल 2 2 4 2 8 ये हला 8 कोनो रूट 3 बाय 8 पाए ये हला मोर पैकिंग एफिशिएंसी बाय एसओ 68% बा और 0.6 बुझला ये हला तमरो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल हला। तो गोटे बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल जदे नवा तार पैकिंग एफिशिएंसी असबो 68% बा 0.68 हला 68% बा 0.68 क्लियर मुझे लागे ठीक रे। यस सर। तर पैकिंग एफिशिएंसी बुझियो नि सर। पैकिंग एफिशिएंसी रो फार्मूला बेटा कि टोटल देखो ये हला तमरो धरो ओटे यूनिट सेल माने बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल एटी बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल नले एटा हला हमरो टोटल यूनिट सेल टा एथरे ए एक पर्यंत एटम अछि किंतु एई जो जागाटा तो खाली पड़छि एई जाय जागाटा खाली पड़छि एई जो जागाटा सब खाली पड़छि त माने सब जागा रे त एटम नाहंती कारण एटम गुडा तो गोलिया गोलिया ना एटम गुडा कोन गोलिया गोलिया हेले भी तो किछि जागा खाली पड़छि तो जति की जागा भर्ती जे सी हला पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी केमती करनती ना टोटल यूनिट सेल रो वॉल्यूम केते तार रिस्पेक्ट रे एटम गुडा कर वॉल्यूम केते तो यूनिट सेल रो वॉल्यूम हला केते ना ए क्यूब एटम रो वॉल्यूम केते ना गोटे एटम तो स्फीयर टा तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर रो वॉल्यूम 4/3 पाई आर ए नला नंबर ऑफ एटम्स बीसीस रे केते ना टोटल ऊपर दीटा एटम अछि तो 4/3 पाई आर जगह रे वो पके देली √3/4 कारण आर आ ए रो रिलेशनशिप म जणा अछि प्रथम कैंसिल आउट कला पर जहां वैल्यू वाला त मन रखिबे सिंपल जिनस वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे मात्र 8टा एटम थिले तांकर पैकिंग एफिशिएंसी जहां आसीबो सेही जगह रे बतान देले 9टा एटम आसीबो पैकिंग एफिशिएंसी ठीक अधिक आबो तो ये केस रे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ी गेला 68% प्लस ला सेही यूनिट सेल ये जो यूनिट सेल हम बनेतिले सेही यूनिट सेल हमर अछि एति की जगह रे बतान चार टोटल ऊपर नंबर ऑफ एटम थिले एक बतान एति की जगह रे नंबर ऑफ एटम हेला 2 टोटल ऊपर ना एति की जगह रे केवल ये 8टा जगह लैटिस पॉइंट रे एटम थिले एटी मझिरे गोटे थिला एटम पसि गेला तो ओबवियस कथा ठीक है पैकिंग आहुरी भल रहला ना जते भल रे पैकिंग हबो पैकिंग एफिशिएंसी रे आपन कर सते भल आसीबो बुझेला येला तो बीसीस रो पैकिंग एफिशिएंसी 68% बा 0.68 बा √3/8 पाए ये गला तमरो बीसीसी। नेक्स्ट आसीबो तमरो कोनो ना एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बाय एफसीसी एतरे कोन छ ना प्रत्येक फेस रे गोटे गोटे एटम छ ये तो हला गोटे क्यूबटा प्रत्येक कॉर्नर एटम हले ए फेस रे गोटे एटम ए फेस रे ए फेस रे ए फेस रे ए फेस सो फेस रे गोटे गोटे एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट हमर प्रेजेंट छ इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स अलोंग विथ द फेस सेंटर्स
कौटे अच्छे ना फेस अलोंग विथ द फेस सेंटर प्रत्येक फेस सेंटर रे गोटे अटैच ता माने टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट केते ता माने टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू आठटा रहला कोथरे ना सर कॉर्नर रे छटा रहला कोथरे ना सर फेस सेंटर तो टोटल ओवर लैटिस पॉइंट केत्र आसे 14 देखो ना एटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बुझले तो टोटल ओवर 14 लैटिस पॉइंट आठटा लैटिस पॉइंट आसे कॉर्नर रे छटा लैटिस पॉइंट आसे फेस रो सेंटर रे टोटल नंबर ऑफ एटम्स तले केते टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा आसे केते आठटा जो आसला कॉर्नर रे तांकर कंट्रीब्यूशन 1/8 किंतु ता सहित आउ कोठी अछि ता सहित बेटा फेस रो सेंटर रे छटा अछि फेस रो सेंटर जेला ये फेस रो सेंटर रे गोटा एटम अछि ये फेस रो सेंटर जो एटम थाए से एटम रो आधा भागटा हम पकर अछि आउ आधा भाग ऊपर वाला एटम थिबो बा एपट आउ आधा भागटा ता साइड वाला एटम थिबो मुगी गोटा कांथ से कांथरे जो इटा अछि से ए घर पई कंट्रीब्यूट करूछि से पाख घर पई भी कोन करछि कंट्रीब्यूट करूछि तले ए घर पई तार कंट्रीब्यूशन केते ना 1/2 तो टोटल नंबर ऑफ एटम असे केते ना 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू केते बुझला येला आंसर अच्छा वर्तमान रिलेशन बिटवीन आर एंड ए हमर कोन जेना फेस रे गोटे लेखा एटम अछि प्रत्येक फेस रो सेंटर रे गोटे लेखा एटम अछि तो बेटा ये हैला कॉर्नर रे तो प्रत्येक कॉर्नर रे तो गोटे गोटे एटम अछि अछि ता सते ये गोटे फेस रो सेंटर ये गोटे फेस रो सेंटर ये गोटे फेस प्रत्येक फेस रो सेंटर रे गोटे गोटे एटम अछि तो जदी प्रत्येक फेस रो सेंटर रे गोटे एटम अछि मु गोटे फेस बनै दउ छी मु गोटे फेस कंपाइन बनै दउ छी ये हैला गोटे फेस वर्तमान मु कह कथा कि जो फेस रो सेंटर अछि ये फेस रो सेंटर रे गोटे एटम मोर अवेलेबल अछि ये फेस रो सेंटर रे गोटे एटम कोन अछि ना अवेलेबल अछि ता सहित कोन थिबो ना कॉर्नर गोडा करे गोटे एटम हेला ए टाइप तो ये फेस रो सेंटर एडाला गोटे फेस ये फेस रो एडाला गोटे कॉर्नर ए कॉर्नर रे गोटे एटम अछि इपट वाला कॉर्नर रे गोटे एटम अछि फेस रो सेंटर रे गोटे एटम अछि जदी मु फेस डायगोनल को चेक करबी त ए माने अलोंग द फेस डायगोनल परस्पर कोन करबी ना टच करबी ए माने कोठी टच करबे ना अलोंग द फेस डायगोनल परस्पर को टच करबी तो बेटा एठी आसेला आर एटा हला तमर आर आ वार एटा हला आर तो ए केस रे जेहेतु फेस डायगोनल अलोंग रे टच करले मु लिख परी 4 आर इक्वल टू फेस डायगोनल रे वैल्यू फेस डायगोनल से रूट 2 ए गोटे जे कोन छोटे फेस रो डायगोनल रे एटा ए तो ओबवियसली एटा हला रूट 2 ए तो 4 आर इक्वल टू रूट 2 ए आर इक्वल टू रूट 2 ए बाय 4 तो इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस को 2 रूट 2 आर इज इक्वल टू कते ना ए डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 बुझेला तनु सेठी आस्तला 4 आर इक्वल टू केते ना रूट 3 बीसीसी रे आस्तला 4 आर इक्वल टू रूट 3 एठी एफसीसी रे 4 आर इक्वल टू रूट 2 सेठी अलोंग द बॉडी डायगोनल परस्पर को टच करथिले एठी अलोंग द फेस डायगोनल परस्पर को कोन करिवे ना टच करिवे बुझले अलोंग द फेस डायगोनल परस्पर को टच करिवे अच्छा दीटा एटम जो परस्पर को टच कले अंको भितरे डिस्टेंस केते ना 2 आर बेटा लिखी परिवे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट केते
ना 2 इनटू आर दैट इज इक्वल टू 2 इनटू ए बाय 2 रूट 2 दैट इज इक्वल टू ए बाय बीटा नियरेस्ट लैटिस पॉइंट टू द डिस्टेंस इज ए बाय नेक्स्ट आसे बेटा हमर कोनो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू केते ना गोटे एटम केते जण को टच करछि जे कोन से गोटे एटम हम नबा सीए केते जण को कोन करियो बेटा टच करियो देखो ध्यान दियो धरी नियम मु कोन कहले ना ये गोटे एटम ये हला गोटे एटम ये गोटे एटम एकोटा एटम को टच कला ए जो एटम ए जण तमने एठी ये जो सेंटर जो अछि एकोटा वाला फेस रो सेंटर जो एटम अछि ये केते जण को टच कला ना चार जण को टच कला केते जण को टच कला ना चार जण को टच अच्छा ए एटम यास तो टच कला एपोट कॉर्नर जो एटम को टच कला सेपोट कॉर्नर एटम टच कला एपोट कॉर्नर एटम टच कला तास देखो ए जो एटम टा छि यास से भी टच करू छि ना नहीं ये जो सेंटर वाला एटम एपोट फेस रो वाला सेंटर से एटम को टच करू छि ना करूनी सर करू छि सेम दी ऊपर वाला फेस रो सेंटर को टच करिवो ना करिवनी सर करिवो देखा जों छि ना किंतु एपोट करिवो यदि एपोट वाला कला त सेपोट वाला करिवो ऊपर वाला कला तळ वाला करिवो त माने केवल एही फेस रे से केतनो टच कला एक दुई तीन चार ता सहित ए गोटे फेस रो सेंटर को टच कला ये गोटे फेस रो सेंटर ये पछपट गोटे फेस रो सेंटर थी ये तले गोटे फेस रो सेंटर केत टच कला ना चार जन ये हला एक दुई तीन चार ये एक दुई पछर अच्छे दुई चार टोटल केत छ जन अच्छा जेमती एपट गोटे आटम को टच एपट गोटे आटम थी ये सेमती गोटे एपटिया गोटे आटम अच्छे गोटे आटम थी जमी एपटे चार जन टच कला सेपटे भी चार जन टच कर टोटल ये हला चार ये हला चार ये हला चार टोटल ऊपर केतरा आटम को टच करू ना 12 टा आटम को टच करू हले कि देखो ध्यान दे हम कहू छी गोटे कांथ को तमे मार्क करो गोटे कांथ रो मझी रे गोटे आटम छी गोटे कांथ रो मझी रे धर गोटे आटम छी से जो मझी रे जो आटम डा छी से कॉर्नर को टच कला एपटो ऊपर वाला कॉर्नर दीटा तळ वाला कॉर्नर दीटा टच कला ता पाखे रे जो कांथ दिबो से कांथ रो जो अछि कोन ना फेस रो सेंटर जो आटम थबो ताकू भी टच करू एपट जो पाखरे कांथ अच्छे चार फेस रो सेंटर को टच करियो तार जो तले जो कांथ फ्लोर टा अच्छे तार फेस रो सेंटर जो आटम ताको टच करियो ऊपर वाला फेस माने ये घरे कांथरे केतन टच कला ना चार जन ए घर भीतर केतन टच कला ना चार जन सेंदी पछ पट घरे केतन टच करियो ना चार जन टोटल पर 12 जन टच करियो त एठी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आसीबो दैट इज इक्वल टू आसीबो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 नेक्स्ट आसीबो कोन ना पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू n * 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू तो n हे गेला बेटा 4 4/3 पाई आर जगह रे हम केते पकेवन a / 2√2 रो होल क्यूब बाय a रो क्यूब तो बेटा 4 गुणन 4/3 पाई बाय a रो क्यूब येला a क्यूब 8 एटाला 2√2 8 दुगुणे बेटा 16 ये 16 कैंसिल a cube cancel tale bolila ketana implies that packing efficiency equal to pi by 3 root 2 that is equal to 0.74 or that is equal to ketala beta 0.74 or 74% kete percent asila na 74% bujhela तो सिम एफसीस रे ठीक है पैकिंग एफिशिएंसी अधिक है कारण सेति की जगह भीतर केतरा एटम रहले अधिक एटम न रहले 14 लैटिस पॉइंट रे एटम रहबे ना जते एटम बेसी सज जाबो त से जगह रे पैकिंग एफिशिएंसी अधिक आसी बुझला तो ये तो हला तबर एथु जिकि बाछ पकेबो सब जगह पकेबो बोली मु तुमको कहू तो वर्तमान ए सब जिंस जतक आसीला आकु मन रखिया पड़े आकु मन रखिया पड़े छोटिया टेबल बने दो जोटा तुम भारी हेल्प गोटे छोटिया टेबल बने दो छी जोटा बहुत हेल्प करबो तुमको मन रखिवे रे हले कि तमे एते गुडे जिंस तमे तो एकाथरे मन रखिवे रे एते गुडे ट्रिक बने दवा से ट्रिक अनुसार त मन रखिवो तम बहुत हेल्प कर
टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन कौन आसो ना एससीसी बीसीसी एफसीसी हले कि तीन प्रकार यूनिट सेल आसे गोटा से एससीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल गोटा से बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल आउट आसो एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट वर्तमान सेतरे नंबर ऑफ एटम्स एतटा नंबर ऑफ एटम्स रे हम पढिबा कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ एटम पोरे हला नंबर ऑफ एटम पर नेक्स्ट नंबर आसो कोडी कोऑर्डिनेशन नंबर तापर नेक्स्ट नंबर आसो कौन नेक्स्ट नंबर आसो रिलेशन बिटवीन आर एंड ए तापर फाइनली हम मन क्या कहा को ना पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी मन क्या भाई बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर ट्रिक अछि से अनुसार कह भी तुम्हें से मन देख सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रे पचाला नंबर ऑफ एटम के बड़ा नंबर ऑफ एटम्स केते आसो सिंपल रे एस एस माने सिंगल माने एक बॉडी सेंटर्ड रे बी बी फॉर बाई बाई माने दो तापर बेटा एफ सी सी एफ माने फोर एफ माने चार खत्म पाठ जाना न जाना आंसर आसो मु कहली कि एस सी सी रे नंबर ऑफ एटम पचाला तो एस माने सिंगल सिंगल माने एक बी फॉर बाई बाई माने दो एफ फॉर फोर फोर माने चार तो एस सी सी रे नंबर ऑफ एटम गोटे बी सी सी रे दीटा एफ सी सी रे चारटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो एस परा कोऑर्डिनेशन एस माने 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वर्तमान बीसीस रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते ना ये 6 को 2 मिसे देले एठे सो 8 एफसीस रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते ना 8 को 4 मिसे देबे हिजो 12 बुझेला खत्म एसीस रे एस फॉर 6 लिख देली 6 रे 2 मिसेले 8 8 रे 4 मिसेले 12 तो एसीस रे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बीसीस रे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एफसीस रे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रिलेशन बिटवीन आर एंड ए तो एठी बेटा कोन बना दीटा आइटम मिसि जेबे समान पाखा पाखी थिबे तो ए केस रे 2 आर इक्वल टू ए केस रे 4 आर ए केस रे 4 आर बी सी सी रे अलोंग द बॉडी डायगोनल परस्पर टच करिवे बॉडी डायगोनल टा रूट 3 एफ सी सी रे अलोंग द फेस डायगोनल परस्पर टच करिवे फेस डायगोनल असला रूट 2 तो 2 आर इज इक्वल टू ए 4 आर इक्वल टू रूट 3 4 आर इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4% एतरा असला 68% एथरा सला 74% ओबवियसली एथरे अधिक नंबर ऑफ एटम अछंती कोऑर्डिनेशन नंबर आर अधिक भलले टच करछनी परस्पर नो पैकिंग एफिशिएंसी आर अधिक आस तो ये टेबल मन रख देले तमर पाखे भी केतरा क्वेश्चन 1 2 3 4 4 6 16 टा 4 3 12 12 टा क्वेश्चन तमे सॉल्व कर देई परबे बुझले तो ये जो पढेली आज जणा आकु पूरा थ्योरेटिकल तमे जेंती पढा जाय एसएससी बीसीसी एफसीसी सेम पढे देली एतरु जा जा क्वेश्चन पचारि परो तमे सेम सर आंसर लिखी ठीक है ना लॉन्ग रे पचार छी सर हां लॉन्ग रे पचारी नी कदा भी आज जे एससीसी बीसीसी लॉन्ग रे क्वेश्चन आसी नै किंतु मो एक्सपेक्ट करू जे हेतु एपर न पचार नी तो होय तो पचारी पारे सेति में बते दिली जदी लॉन्ग रे बेटा क्वेश्चन न आसला शॉर्ट डायग्राम करिया पडियो डायग्राम न कले केमती बुझेबो डायग्राम कले सेना जिंस रो बुझेबो बिना डायग्राम कोन जिंस रो बुझेबो शॉर्ट रे तो किंतु बहुत तरह क्वेश्चन पचार छी एससीसी रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते एफसीसी रो पैकिंग एफिशिएंसी केते नंबर ऑफ एटम केते ये सब शॉर्ट रे बहुत तरह पचास तनु ये लॉन्ग और शॉर्ट तो हम दी प्रकार पर जिंस हो गला आगे तुम घुसिबो मन रखियो क्वेश्चन सॉल्व करियो ठीक अछि आज ही क्लास में एटी कंप्लीट करू छी सर क्लास में आगे बढ़ियो सर सर ओटे डाउट अछि को सर जतला अल्काइल सियानाइड एनएओ सहित रिएक्ट करियो को मारियो अल्काइल सियानाइड आज्ञा सियानाइड ओटिबो होइस लागबो अल्कोहल हाँ अच्छा